विराट कोहली और रजत पाटीदार के शानदार पारी और फिर गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी ने हैदराबाद की विजय रथ को रोककर पॉइंट्स टेबल में मचा दिया है खलबली। जीत के बाद आरसीबी टीम पॉइंट्स टेबल में 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल कर ली है, जबकि इस हार से सनराइजर हैदराबाद टीम को लग चुका है बड़ा झटका। बदल गया पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी, आखिरकार कैसे आरसीबी ने सनराइजर हैदराबाद जैसी खतरनाक टीम को हराकर पॉइंट्स टेबल में मचा दी है बवाल, और हार के बाद कैसे एसआरएस टीम को लग चुका है बड़ा झटका, बताएंगे पूरी खबर की जानकारी आज की वीडियो में। अगर आप भी हैं आरसीबी टीम और विराट कोहली के फैन तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आईपीएल 2024 का 41वां रोमांचक मुकाबला सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों आपको बताएं कि आज आरसीबी टीम ने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो सही साबित हुआ, और एसआरएच को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी टीम की शुरुआत अच्छी रही। कप्तान डुप्लेसिस ने विराट कोहली के साथ अच्छी बल्लेबाजी करी और पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़ दिए, मगर चौथी ओवर में कप्तान डुप्लेसिस 25 रन बनाकर वापस लौट गए। फिर बल्लेबाजी करने आए विल जेक्स ने विराट कोहली के साथ मिलकर पावर प्ले में 61 रन बनाए, मगर इसके तुरंत बाद विल जेक्स मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने आए रजत पाटीदार ने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को संभाला और ताबड़तोड़ पारी खेले, दोनों के बीच 65 रनों की अच्छी साझेदारी हुई। रजत पाटीदार ने अपनी इनिंग में मात्र 20 गेंद खेले और 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 50 रन ठोक दिए। तो वहीं विराट कोहली ने 43 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रनों की अच्छी पारी खेले। इसके अलावा दोस्तों आरसीबी टीम की ओर से कैमरून ग्रीन 5 चौके की मदद से 37 रन, डीके 11, तो वहीं स्वप्निल सिंह ने 12 रन बनाए, जिससे आरसीबी टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 206 रनों का बड़ा टारगेट हैदराबाद के सामने सेट कर दिया। हैदराबाद की ओर से दोस्तों जयदेव उनादकर ने अच्छी गेंदबाजी किए और 3 विकेट अपने नाम किए। तो वहीं इसके जवाब में 207 रनों के टारगेट को चेज करने उतरी सनराइजर हैदराबाद टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही। आरसीबी के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर से ही बहुत ही किफायती गेंदबाजी किए और एसआरएच के खतरनाक बैटिंग लाइनअप को पावर प्ले में ही पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पावर प्ले के अंदर अभिषेक शर्मा 31 रन, ट्रेविस हेड 1, एडन मार्करम 7, तो वहीं हेनरी क्लासेन भी 7 रन बनाकर जल्दी पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद भी दोस्तों आरसीबी टीम ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी जारी रखी और एसआरएस के कोई भी बल्लेबाज को बड़ी पारी नहीं खेलने दिया और एक के बाद एक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अंतिम में दोस्तों अब्दुल समद 33 और पेट कमिंस ने 31 रनों की अच्छी बल्लेबाजी किए, मगर आरसीबी ने इनको भी पवेलियन भेजकर मुकाबले में वापसी किए और इस रोमांचक मुकाबले को बड़ी आसानी से 35 रनों से जीत लिया। इस जीत के बाद दोस्तों आरसीबी टीम ने पॉइंट्स टेबल में 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल करके आईपीएल से बाहर होने से खुद को बचा लिया है। तो वहीं एसआरएस टीम को पॉइंट्स टेबल में लग चुका है बड़ा झटका। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इस रोमांचक मुकाबले के बाद आईपीएल 2024 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल के पहले पोजीशन पर राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है और राजस्थान टीम अब तक टूर्नामेंट में कुल 8 मुकाबला खेली है, जिसमें आरआर टीम 7 मुकाबला जीती है और मात्र 1 मुकाबला हारी है। पॉइंट्स टेबल पर आरआर टीम के फिलहाल 14 अंक है। वहीं दूसरे पोजीशन पर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खिसक गई है। केकेआर अब तक कुल 7 मुकाबला खेली है, जिसमें केकेआर 5 मुकाबला जीती है और 2 मुकाबला हारी है। पॉइंट्स टेबल पर केकेआर टीम के 10 अंक है। तो वहीं तीसरे पोजीशन पर सनराइजर हैदराबाद की टीम बनी हुई है और एसआरएच अब तक कुल 8 मुकाबला खेल चुकी है, जिसमें एसआरएच 5 मुकाबले जीती है और 3 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर एसआरएच टीम के 10 अंक है। वहीं चौथे पोजीशन पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आ गई है और एलएसजी अब तक 8 मुकाबला खेली है, जिसमें 5 मुकाबले जीती है और 3 मुकाबला हारी है। वहीं पॉइंट्स टेबल के पांचवे पोजीशन पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खिसक गई है और सीएसके अब तक आईपीएल में कुल 8 मुकाबला खेली है, जिसमें सीएसके 4 मुकाबले जीती है जबकि 4 में उसे हार मिली है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों सीएसके टीम के 8 अंक है। वहीं दोस्तों पॉइंट्स टेबल के छठे पोजीशन पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और डीसी अब तक कुल 9 मुकाबला खेली है, जिसमें डीसी 4 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर डीसी टीम के फिलहाल 8 अंक है। वहीं सातवें पोजीशन पर गुजरात टाइटंस की टीम पहुंच गई है, जहां जीटी अब तक कुल 9 मुकाबला खेली है, जिसमें जीटी 4 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर जीटी के 8 अंक हैं। वहीं आठवें पोजीशन पर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम बनी हुई है। एमआई टीम अब तक टूर्नामेंट में कुल 8 मुकाबला खेली है, जिसमें एमआई मात्र 3 मुकाबला जीती है और 5 मुकाबले बुरी तरीके से हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर मुंबई इंडियंस टीम के फिलहाल 6 अंक है।
तो वहीं नौवें पोजीशन पर दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम आ गई है। आरसीबी अब तक कुल 9 मुकाबला खेली है, जिसमें आरसीबी 2 मुकाबला जीती है और 7 मुकाबला हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी टीम के 4 अंक है। वहीं पॉइंट्स टेबल के आखिरी और 10वें पोजीशन पर दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, जो अब तक कुल 7 मुकाबला खेली है, जिसमें पंजाब 2 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों पंजाब किंग्स के भी 4 अंक है। तो दोस्तों आईपीएल 2024 से जुड़ी और ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।